अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम देखेंगे कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को एडोब इलस्ट्रेटर को कैसे इंस्टॉल करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल ब्राउज़र है, याहू ब्राउज़र है, इट कुड बी एनीथिंग। तो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करें, आपने क्या करना है, जो आपको लिंक दिया गया है उस लिंक को आपने अपने सर्च बार में ला के सीधा पेस्ट कर देना है। तो मैंने अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी हो चुका होगा। तो आप जैसे ही इस लिंक को अपने ब्राउज़र पे ला के क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उसी फाइल की तरफ ले जाएगा जो फाइल हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट सोर्स हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमें बता रहा है कि couldn't provide preview file, there was a problem with the network, यानी कि ये हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें फाइल का प्रीव्यू नहीं दिखा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फाइल एक PDF है तो हमें इस वजह से ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर फाइल है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस डाउन एरो पे डाउनलोड का साथ लिंक आ रहा है, आपने क्लिक करना तो हमारी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास वे क्या है, हमने डायरेक्ट जाना है इस तरफ। तो जैसे हमारे पास ये डाउनलोड एरो नज़र आ रहा है हमें, हमने क्या करना है, इस पर जैसे कर्सर को लेकर जाएंगे तो ये हमें डाउनलोड का एक साइन देगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक नेक्स्ट पेज की तरफ ले आएगा। अब उस नेक्स्ट पेज पे हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस फाइल में वायरस हो सकता है, ये फाइल बहुत हैवी है, गूगल को स्कैन करने पर टाइम लग रहा है, क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हमने कहना है जी हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो क्लिक कर देना है डाउनलोड एनीवे। तो जैसे हम डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा अपने फाइल के डाउनलोड पैनल की तरफ। तो ये देखिए मेरी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने क्या करना है, इसको टाइम देना है। अगर ये एक दिन ले रहा है, एक घंटा ले रहा है, एक मिनट ले रहा है तो कोई मसला नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसको टाइम दें, ये डाउनलोड हो जाएगा, देन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये पॉज हो जाता है या नेटवर्क एरर की वजह से रुक जाता है तो अगेन आपने इसको रेज्यूम कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास इस तरह की जिप फाइल बनकर आ जाएगी। हमने इस जिप फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप एक नया फोल्डर बनाकर रख लें, एक अलहदा फोल्डर रख लें ताकि इसकी फाइल सेफ रहें, वो डैमेज ना हो। तो एक अलहदा फोल्डर में जैसे आप ला के अपनी जिप फाइल को रखेंगे तो आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है एक्सट्रैक्ट हेयर। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड पूछेगा। तो आपने क्या करना है, टाइप कर देना है 1, 2 and 3। तो जैसे आप 1, 2 and 3 टाइप करेंगे तो आपकी एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेट मी शो यू। तो जैसे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो 1, 2 and 3 इसका पासवर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो फाइल्स हैं वो बनकर आ जाएंगी, 100 फोल्डर अलहदा से बनकर आ जाएगा। तो मैंने सिर्फ फोल्डर को ओपन करना है। तो जैसे मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा तो मेरे पास इसके कुछ रिसोर्सेज आ गए हैं, रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजेस हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ओपन दैट फोल्डर्स, तो मैं उनको ओपन नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ कंसर्न है इसके सेटअप के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इसके सेटअप को जस्ट ओपन कर लूँगा। तो आइए देखते हैं कि सेटअप ओपन करने के बाद हमें ये क्या देता है। तो जैसे ही हम इसका सेटअप ओपन करेंगे तो हो सकता है ये आपका टाइम ले। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये टाइम लेगा, तो आपने इसको टाइम देना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास वो कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, लाइक इन विच लैंग्वेज यू वॉन्ट टू इंस्टॉल और इन विच लोकेशन यू want to install this software। तो आप अपनी desired language या desired location put कर सकते हैं, लेकिन I suggest you कि इसको ऐसे ही रहने दें, किसी भी चीज़ को मत छेड़ें और इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर दें। इंग्लिश है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने पर टाइम लेगा, इसको टाइम दें। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये देखेंगे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का उसका एक ओवरव्यू आ जाएगा। तो इस तरह का ओवरव्यू आएगा ओपन करते हुए, बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।